अभी आप लोग सेंस पे जाएंगे हैं सेंस पे जाएंगे हां जी अभी हम सेंस आप भी कराची के हैं वो भी कराची के से वो कराची का है मैं भी दबाओ अच्छा डॉक्टर साहब से आपकी काफी इंटरेक्शन होती है मैं तो भी रिसेंटली जॉइन किया मेरी बहुत कम हुई है अच्छा लेकिन जितनी भी हुई है बड़ी इंफॉर्मेटिव रही है डिस्कशन जैसे डॉक्टर साहब इज अ रेयर बर्ड हाँ जी मतलब अगर WWF इस वक्त है तो सब बिकॉज ऑफ हिम और यही मेरा ख्याल है सारे टेंशन लेते लेते उनको गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन होगा लोग जॉब को एज ए जॉब लेते हैं डॉक्टर साहब और आप लोग वाली जनरेशन थी एज ए पैशन करती थी इस चीज़ डॉक्टर साहब को कितने साल हो गए 22-25 साल हो गए 23 साल हो गए 22 साल अच्छा अच्छा अजीब बात है 22 साल गुड़गांव को है 22 साल मेरा कम इनसे इंटरेक्शन तो मेरा काफ़ी इनसे हुआ लेकिन हुआ है 2002 के बाद बल्कि वो यहाँ कराची में भी कुछ टाइम पर लेकिन बेसिकली वो हैं पंजाब के उनके पास बॉटनी है ना बायोलॉजिकल साइंस हाँ जी बिल्कुल डॉक्टर साहब की उम्र क्या होगी अबाउट 60 65 आजकल दहलवी साहब होते हैं ना यहाँ पे अली दहलवी वो अब रीजन को देखते हैं चलो अच्छा साउथ साउथ और उनके मतलब उनके ऊपर वो है ना क्या नाम है उनका रब नवाज वो भी इस्लाम बच्चा देखें अच्छा तो कराची को दहलवी साहब और दूसरे कौन है बस दहलवी साहब देखते हैं वैसे तो डिफरेंट वो हैं शफीउल्ला साहब शफीउल्ला भी होते हैं हाँ वो दूसरे डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट है तो WWF साहब WWF के हेड अली दहलवी हैं यहाँ कराची रब नवाज भी थे दोनों साथ थे हाँ रब नवाज थे पहले कहीं भी अब वो इस्लामाबाद में देखते हैं हाँ अच्छा अभी सारे पूरे उसको पाकिस्तान में डील करते हैं हमाद साहब जी जो डायरेक्टर हैं और डॉक्टर साहब जो हैं डेप्यूटी डायरेक्टर है ना सीनियर डायरेक्टर हैं अच्छा सीनियर डायरेक्टर यानी हमारे साहब से भी ऊपर नहीं डायरेक्टर जनरल हाँ और डॉक्टर साहब उनके नंबर टू हैं मतलब उनके अंडर हैं
एक दो खवातीन हैं उनसे भी मेरी इंटरेक्शन हुई है इनका कोमल नहीं वो भी हैं और एक और से भी मिला था कौन अमरीन अमरीन एक और एम एम से उसका नाम मेहर अल्ताफ शेख से भी आया है अल्ताफ शेख उनसे भी आई थिंक आपकी दो की मतलब नहीं वैसे इंटीरियर में थे कोई उनसे बातचीत थी अब ये लगता है बड़ा इनफॉर्मल लेकिन जब बनते हैं तो एक जैसे बनते हैं ये अगर ना बने तो फिर तो बेकार है स्टैंडर्डाइज होना है वरना ये खड़े नहीं हो सकते एक लंबा एक चौड़ा एक दुबला पतला कोई मोटा कोई जैसा एक ही टाइप के लाजमी है वरना आप देखिए 14 फीट तक जाता है ये और इसने अभी तो इतने बड़े काम करने के दो मंजिल बननी है तो ये कैसे पॉसिबल कैसे और फिर अब तो ये भी हमने किया है कि ये छज्जे बाहर निकलते हैं छज्जे आप देखिए 5 फुट चारों तरफ कैसे निकल सकते हैं अनलेस इनकी स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ कैसे बनेगी देन देर इज़ यूनिफॉर्मिटी देर इज़ नो यूनिफॉर्मिटी स्टैंडर्डाइज ब्लॉक्स नहीं है तो बिल्कुल बेकार द थिंग इज बेकार किसी वक्त गिर सकता है जबकि 10 साल से भी लगा हुआ है एक जगह पे हमने देखा है 10 साल से लगा हुआ है एक जगह पे ये इसको 4 साल हुए इससे पहले भी लगा होता था लेकिन यह पूरी प्रेमिसेस को जलाया गया था कराची में जो फसादात हुए ना हमारे साथ ये बड़ी मुसीबतें रही कि ये फसाद की जगह पे है ये पूरा इलाका चारों तरफ तो ये वक्त था यहाँ पे आग लगा देते थे इसको एयर शूट कर दो मतलब ऐसे हालात थे अब ये देखिए ये वर्जन मटेरियल है अब ये स्टार्टेड विद वर्जन मटेरियल और ये इसी वजह से हम इसको क्लीन सेफ टेक्नोलॉजी कहते हैं मगर इसी तरह से अगर आप यूज़ मटेरियल डाल दें उसको धो धुला के तो तमाम जितना आपका इस तरह का जो पन्नी आती है आप देखें ये सब वही मटेरियल है जो रैपर्स का है अब जो समंदर में लोग फेंकते जैसे आपने बहुत अकलमंदी की कि जो वह इस मटेरियल मिला थैली में डाल दिया अगर ये कलेक्शन हो जाए एट सोर्स क्योंकि ज़्यादा यूज़ क्या होता है चिप्स के पैकेट दूसरे तीसरे और दिन ब दिन ये बढ़ता जाएगा शहरों में तो आपको ये मिलेगा बेतहाशा तो फिर उसको आप देखें इस तरह से लगा सकते हैं डाल सकते हैं उसको या तो कुछ थोड़ा सा क्लीनिंग कर लें मतलब जैसे ये होस है इसमें आपने फाड़ फूट के डाल दिया थोड़ा डिटर्जेंट डाल दिया साफ हो गया ठीक है ये तो फिर हमें फैक्ट्री से क्लीन लेफ्ट ओवर्स मिले हैं तो हम तो कह सकते हैं बादशाह हम तो कहते हैं मस्जिद में लगा दो भाई हनुमान शरीफ ले चलो अब तो कोई काट शाट नहीं बल्कि आप इनसे भी कुछ अलग अलहदगी से कहीं बात करना चाहें बल्कि मैं इस मेरे आने से पहले कोई बातचीत हुई आप लोगों की आपस में कुछ भी नहीं हम लोग आए हैं तो आप पीछे से जो आ गई थी तो अभी हमसे एंटर ही हो रहे थे सोशल मीडिया अच्छा आपको कैसे सूझा हम लोग से कांटेक्ट करने का मैंने आपका बारे में आई थिंक पहले एक दफ़ा आपका कोई इंटरव्यू चला था किसी टीवी चैनल पर मुझे याद भी नहीं है बहुत पुरानी बात है
ये उस जमाने की बात है जब मैं लाइक WWF के साथ थी भी नहीं. अच्छा. तब कहीं मैंने मेरे एक मुझे था एक आइडिया. फिर जब मैं तब ज्वाइन किया, हमने ये एक इंटरव्यू सीरीज स्टार्ट की अपने मैगजीन के लिए, जहां हम इस तरह के इनिशिएटिव्स और जो पाकिस्तान में लोग काम कर रहे हैं एनवायरनमेंट के सेक्टर में, उनको हम ढूंढते हैं, उनका इंटरव्यू करते हैं, उनका टेक लेते हैं. सो उस पे मुझे आपका आइडिया क्लिक किया. मुझे अब इतना पुरानी, मैं आपको बता रही हूँ कि इतनी पुरानी बात थी वो, मुझे इंटरव्यू मेरा आइडिया मेरे जहन में था बट नाम मेरे जहन में बिल्कुल भी नहीं था. सो आफिया सलाम है वो, उनके साथ हमारा काफ़ी इंटरेक्शन रहता है. मैंने उनको मैसेज करिए पूछा, मैंने कहा इस तरह एक चीज़ मैंने पढ़ी थी देखी थी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, क्लिक नहीं हो रहा, कराची में मुझे पता है वो. उन्होंने फिर मुझे कहा कि ये था, मैंने कहा ये एग्जैक्टली. फिर मैंने आपकी वेबसाइट से जाके आपको ट्रैक करके वो नंबर दिए. आफिया जो है वो हमें फंड करती है ना, आपका रिसाइकल पेपर है. हाँ जी. यार रिसाइकल तो और भी होते हैं लेकिन वो ये 8 रुपये किलो वाला एक होता है, कितना जाता है 12-15 में, 15-16-17 जो वाइट, जितना वाइट पेपर उतना ज़्यादा महंगा. अच्छा आप ये आपने पूछा नहीं कि भाई ये जो ब्लॉक्स हैं इनकी लॉन्गविटी क्या है, हाउ लॉन्ग दे कैन सर्वाइव. ये कब, ये क्या बच्चों का खेल, एक तो बच्चों का खेल होना चले ठीक है तलफ करने के लिए. ये वैसे क्या क्या इसकी है पूरे घर की, ये एक मोहम्मद अली शाह को आप जानते होंगे, फिशर फोक फॉरम, उनके यहाँ आप कभी उनसे भी पूछ लें. तो उनके जो सचल हॉल है उसके ऊपर हमने लगाया है, 10 साल हो गया. और उन्होंने जब मिले ना तो मेरी शिकायत करें, मेरा शिकवा करें, कहें कि आपको हमने कहा था कि भाई ये ब्लॉक्स पे कवर्ड होने चाहिए किसी भी शक्ल में, तुम लोग आप लोगों ने ये काम किया नहीं, उसके बावजूद भी ये खड़ा है. अगर आप लोगों ने कवर किया होता, उसकी हिफाजत की होती तो हम